तो बच्चों हमारा मीटर भी खत्म हो गया है टॉपिक, और डायरेक्टली अपन पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ सकते जब तक हमको स्मॉल आर मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम है और केवीएल को थोड़ा बहुत इफेक्टिवली लगाना नहीं आता हो। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कितना होगा। तो बच्चों देखो, एक सर्किट डायग्राम से स्टडी करने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई बैटरी है, तो बैटरी के पास बच्चों ईएमएफ होता है और खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, इसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे अपन अभी की क्लास में, ठीक है। मान लो बच्चों बैटरी एक लोड रेजिस्टेंस को एंटरटेन करता है, मतलब इस पे करंट करंट दे रहा है, तो बैटरी कौन सी कंडीशन में होगा अभी, कोई आइडिया? 12th के बच्चों बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा होगा करंट को इस तरह से, कोई प्रॉब्लम है ना, बैटरी आपका डिस्चार्ज कर रहा है, और ये बच्चों बैटरी होता है। इसके एक एंड पे आप लोग ए बोलते हो और एक एंड पर बी बोलते हो, तो मैं यहीं से लिख देता हूं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वी बोला जाता है बच्चों, उसको नाम होता है वी ए माइनस वी बी, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, एनी आइडिया इन द क्लास? 12th के बच्चों इसका एक्सप्रेशन बोलो कितना आता है, इसको ई माइनस आई आर बोलते हैं, कुछ याद आया? अरे जो पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों यहां पे मिल रही होगी एग्जैक्टली वही पोटेंशियल ड्रॉप अपन को बॉटम में लोड रेजिस्टेंस के पास ही मिल रही होगी, क्योंकि बी वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो रहा है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया है वो बोर्ड पे वापस देखते रहे, मैं आप लोगों को केवीएल लिख के दिखा देता हूँ। सब देखो इधर बैटरी दिख रही है यहाँ पे, उससे करंट निकल रहा होगा राइट, आप ए पॉइंट पर बैठ के बी तक का केवीएल लिख लो। अप्लाई में लिख देता हूं अप्लाई केवीएल इन ओपन लूप, चलो बताओ कितना आएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, वी ए से स्टार्ट करेंगे, हम आगे बढ़ के जा रहे हैं बच्चों, प्लस से माइनस पे जा रहे हो, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिक्रीज, और आगे जाओगे तो आपको करंट बच्चों रिवर्स में आता दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा प्लस आई आर, और जहां रुकते हैं अपन उसको वी बी लिख लेते हैं। यहां तक का तो आ गया होगा समझ में सबको, इसको रीअरेंज कर लो, वी ए माइनस ऑफ वी बी ये हो जाएगा बच्चा लोग ई माइनस आई आर, और वी बराबर होता है ई माइनस आई आर, यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं आप लोगों को, और जो डायरेक्टली मैंने ऊपर लिख दिया था है ना। फिर आप बोलोगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वी बच्चों क्या हो जाएगा, आप बताओ ना, अगर आप नीचे वाली ब्रांच से यहां चल के जाओगे तो कितने का ड्रॉप होगा? 12th के बच्चों आई आर का ड्रॉप होगा, इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, मुझे इन दोनों इक्वेशन में से ना आई को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों ऊपर वाले इक्वेशन में देखो सॉल्व करना, देखो एग्जाम में आ जाएगा तो अलग अलग तरीके से प्रूफ होता है ये, तो वी का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे ई माइनस आई आर, अगली लाइन में क्या करना है आपको ई लिखना है, और आई की जगह पे क्या हो सकता है बच्चों वी बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब बस कुछ नहीं बचा है अपन को, स्मॉल आर के लिए सॉल्व कर देना है इसको, तो मैं पूरे ये टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा वी बाय आर इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू ई बाय ई माइनस वी, तो छोटा वाला आर कितना हो गया बच्चों ई बाय वी माइनस वी, और यहाँ आ जाएगा आपका आर। कई बुक में ऐसा भी लिखा होता है आर वी को अलग अलग कर देते हैं तो हो जाता है ई बाय वी माइनस ऑफ 1, सो दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर योर इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों ये बहुत काम की चीज है, आज अपन इसको पोटेंशियोमीटर में लगा के ही पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीजें लिखी हुई यहाँ पे, ई बच्चा लोग ई एम एफ लिखा है, तो बोलोगे ठीक है सर वी क्या है, तो बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज है जिसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है कैपिटल आर है, तो आर यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होगा, देखो ना बच्चों वहां पर मैंने करंट को हटा दिया है, मतलब बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा स्मॉल आर का फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, लोड रेजिस्टेंस लिखते हैं ब्रैकेट लगाते हैं ई बाय वी माइनस वन करके छोड़ देते हैं, ये याद करो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या तो ई माइनस वी बाय वी भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए अनसॉल्व वाले में और सॉल्व एग्जांपल्स में भी हैं, ध्यान रखें इंटरनल रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व करना है,
होता क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? तो बच्चों ये द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बैटरी वाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्ज भी होते समय रेजिस्टेंस देंगे, डिस्चार्ज होते में भी रेजिस्टेंस देंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं वाइल, बच्चे लोग देखो, चार्जिंग स्लैश करके मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्चार्जिंग। रेजिस्टेंस देना है उनको, तो बस चार्ज मूव नहीं करने देना, उससे रेजिस्टेंस देना है। बहुत ही छोटा होता है वैल्यू, हालांकि फिर भी निकालना है। तो आगे से कोई पूछेगा व्हाट इज स्मॉल आर, तो बोलना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, कैपिटल आर, ब्रैकेट खोलेगा ई बाय वी माइनस वन। इतना एग्जाम में कर लोगे